प्रिय मित्रों, फिर से आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक पर्टिकुलर त्यौहार हम मनाते हैं या विश्वासी क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, और उसको हम कहते हैं पूरे जगत में, पूरे संसार में इसको गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। ये गुड फ्राइडे या शुभ शुक्रवार, ये एक विशेष त्यौहार है जो जितने भी विश्वासी हैं, क्रिश्चियंस हैं पूरे दुनिया में इसको मनाते हैं। और ये हर समय सिर्फ शुक्रवार ही को आता है, फ्राइडे को आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं? क्यों, ऐसी ऐसी कौन सी बात है जो गुड है, अच्छी है? क्या अच्छी बात है? जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो शायद आप भी सोचेंगे कि आखिर ये गुड फ्राइडे क्यों कहलाया जाता है हमारे मसीही लोगों के बीच में। सो आइए हम इसी के बारे में आज आपसे बात करेंगे कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या है। बाइबल के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वह पाप में गिर गया, और आदम और हवा से लेकर के हम सब पाप में गिरे पड़े हैं। और इस पाप की वजह से हम सब पापी हैं, पूरी मानव जाति पापी है, पाप का स्वभाव उसमें आ गया है। मैं आपके लिए एक पद पढ़ूंगा बाइबल में से, वह है रोमियो 3:23। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो बाइबल जो परमेश्वर का वचन है बिल्कुल सत्य है, और इसमें हमें कोई शंका वाली बात में नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे संसार में, हमारे समाज में, हमारे व्यक्तित्व में किस प्रकार का माहौल आजकल है। एक पापी स्वभाव, हर जगह उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, और ये सब पाप के निशान हमारे चारों तरफ, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे सब जगह दिखाई देता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सब इसमें सम्मिलित हैं, पापी हैं। और एक जगह पे और लिखा हुआ है, और ये पाप की जो मजदूरी है, पाप का जो परिणाम है, रोमियो उसका 6:23 में हम इसको पढ़ते हैं। रोमियो उसका 6:23 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जो पाप का परिणाम है वो मौत है, मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु तो है ही, शरीर शारीरिक रूप से तो आप और हम मरेंगे ही, लेकिन साथ साथ आत्मिक रूप से भी मर रहे हैं। आत्मिक रूप से मरने का मतलब है कि हम सच्चे परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वो दूसरी मृत्यु है, और ये बहुत भयानक है। अनंत काल तक हमारा सेपरेशन, हमारा अलगाव परमेश्वर के साथ से अलग रहेगा। तो ये बहुत भयंकर बात है, और इसी से कनेक्टेड है हमारा आज का जो विषय है, गुड फ्राइडे। आप सोच रहे होंगे भाई आप मौत के बारे में बात कर रहे हैं, पाप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी गुड चीज़ हम देखते हैं इस गुड फ्राइडे के दिन? ठहरिए ठहरिए, मैं आपको बताना मांगता हूँ। बहुत भविष्यवाणियाँ की गई थी बाइबल में कि एक समय आएगा कि एक व्यक्ति जन्म लेगा कुमारी मरियम से, और वह व्यक्ति जो है वो अच्छा पवित्र जीवन बिताएगा, परमेश्वर का बेटा कहलाया जाएगा, और वो क्रूस पर मारा जाएगा। इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ यशाया नबी की किताब, और उसका देखते हैं कहाँ पर है ये यशाया नबी, ये आ गया, यशाया नबी की किताब उसका 53:7। 53:7 में लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी हुई है। 6 में मैं 6 नहीं, मैं 5 से आपके लिए पढ़ूंगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही
अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा कर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी भी प्रकार का उपद्रव न किया और न उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसको उसी ने उसको रोगी कर दिया। हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी के बारे में हो रही है। हजारों साल पहले यीशु मसीह से के आने से हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी यहाँ पर की गई। 11वें पद में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरे को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये भविष्यवाणी बहुत साल पहले, यीशु मसीह के आने से बहुत साल पहले बाइबल में लिखी गई और ये भविष्यवाणी पूरी हुई जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और 12 से 14। मत्ती 27 और उसका 12 से 14। जब महायाजक और पुरनी उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उनको एक बात भी कभी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रियो, ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में है कि एक व्यक्ति आएगा, परमेश्वर का पुत्र, वो पवित्र मरियम से जन्म लेगा, पवित्र ठहराया जाएगा, परमेश्वर का बेटा होगा और 33 साल तक वो इस दुनिया में रहा, जिसे हम कहते हैं 33 AD, 33 AD के नाम से जाना जाता है। और तब उन्होंने उसको उठा करके ले गए और उस पर दोष मढ़ा। जी हाँ, उस पर दोष मढ़ा। कौन सा दोष? वही दोष जो आपको और मुझको सहना था, वही पाप जो आपको और मुझको सहना था, पाप की मजदूरी मृत्यु उसने सहा। रोमन के जो सोल्जर्स होते थे, उन्होंने उसको इस प्रकार का एक गुलाम का मौत दिया। लिखा हुआ है गलतियों उसका 3:13 पद में आपके लिए पढ़ूंगा, गलतियों उसका 3:13 पद में बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित हुआ। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। आपने क्रूस का निशान जरूर देखा होगा चर्चेस के ऊपर, लाल रंग का, या कई जगह पर लोग कपड़े पहनते उसमें क्रूस का निशान होता है। इस बात को दर्शाता है कि 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर लटकाया गया। ये है गुड फ्राइडे, इसीलिए हम कहते हैं गुड फ्राइडे। शुक्रवार के दिन, पवित्र शुक्रवार के दिन
उसे 2000 वर्ष पूर्व उसे क्रूस पर चढ़ाया, उसके हाथों में कीले ठोकी गई, उसके मुंह पर थूका गया, उसके बाजू में भाला भेदा गया, उसके पांव में कीले ठोकी गई, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसको मजाक से उड़ाया गया, कहा अरे अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो उतरा। लेकिन दोस्तों वो नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि अगर वो उतर के आ जाता तो आपके लिए और मेरे लिए उद्धार का और कोई दूसरा मार्ग नहीं होता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का मौत बहुत ज़रूरी था। लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 3 और 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर एक बार बलिदान हो गया। अब हमको बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें बकरों को या चिड़ियों को या और चीज़ों को बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए 2000 वर्ष पूर्व उस शुक्रवार के दोपहर को क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं आपके लिए एक और पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। वो पद इस प्रकार से है, 1 यूहन्ना 1:7। 1 यूहन्ना 1:7 आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ, जो हमारा पापी स्वभाव है वो हमारे नहाने धोने से या हमारे कोई किसी प्रकार के ट्रेडिशन से हम साफ नहीं होगा। अरे साहब, हमारे दिल को बदलना है, हमारे अंदर के व्यक्तित्व को, हमारे अंदर के स्वभाव को बदलना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस पवित्र लहू को के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करें। इब्रानियों, एक और किताब हम देखते हैं, इब्रानियों और उसका 9:22 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह ने वो लहू आपके लिए और मेरे लिए बना बहाया। यह है गुड फ्राइडे, यह आपके लिए और मेरे लिए एक गुड न्यूज़ है, एक शुभ संदेश है कि अब हमारा पाप से छुटकारा हो सकता है अगर हम विश्वास करें। एक जगह पे और लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 25 से आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करते हैं, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। कितनी खुशी की बात है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये मेरे लिए गुड न्यूज़ है, हम सब मानव जाति के लिए एक शुभ संदेश है। इसीलिए हम इसको कहते हैं गुड फ्राइडे, एक शुभ शुक्रवार। भविष्यवाणी पूरी हुई, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों चढ़ा गया? ताकि मेरे लिए और आपके लिए एक मार्ग खोले, और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास
नहीं पहुंच सकता। जी हाँ, ये क्रूस वही मार्ग है जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। और एक मैं पद आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ, 1 कुरिन्थियों 1:18, 1 कुरिन्थियों 1:18 आपके लिए मैं पढ़ना मांगता हूँ। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। जी हाँ, यह है परमेश्वर का प्रेम। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, 1 यूहन्ना 4:9, 1 यूहन्ना 4:9, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। जी हाँ, ये परमेश्वर का एक अद्भुत प्यार है कि उसने अपने पुत्र को, जी हाँ, अपने पुत्र को परमेश्वर होते हुए उसने दास का रूप धारण किया, मानव जाति में आया 2000 वर्ष पूर्व, और 33 साल के बाद लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उसको वो जो आपको और मुझको सहना था वो उसने खुद सहा। 3 घंटे करीब वो क्रूस पर लटका रहा आपके लिए और मेरे लिए। एक और परमेश्वर का वचन मैं पढ़ना मांगता हूँ आपके लिए, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 2:13-16, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 13:16, आप ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है। कौन हमारा मेल है? वही का मतलब है यीशु मसीह। वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया। दोनों को एक कर दिया मतलब परमेश्वर और मनुष्यों को मिला दिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। और 16 पद 15 भी हम पढ़ेंगे, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों के रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। मैंने आपके सामने परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ा कि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपको डायरेक्टली बात करे, सीधी तौर से बात करे, खरे रूप से बात करे, सामर्थ के साथ बात करे, अधिकार के साथ बात करे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के पुत्र यथार्थ यीशु मसीह ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल करा दिया। क्रूस एक मेल की निशानी है और मेल कराने के वाले की निशानी, एक रेकंसाइल आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया। जी हाँ, वो क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए लटका रहा। ये है गुड फ्राइडे। इसीलिए आपने देखा होगा जनरली लोग चर्च में जाते हैं, वहाँ 3-4 घंटे की सर्विस होती है। क्यों? वो याद करते हैं इस बात को कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह 2000 पूर्व प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया। उसने कई शब्द क्रूस में से कहे, इन्हें प्रभु इन्हें क्षमा कर, और क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। उसने मरते समय उसने एक डाकू को भी बचा लिया क्योंकि डाकू ने उस पर विश्वास किया। जी हाँ, दूसरा डाकू जो था वो तो खिल्ली उड़ाने लगा कि अरे अरे भैया तू क्रूस से उतरा, हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन उसके दाहिने जो दूसरा डाकू था उसने बोला, नहीं 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 नहीं, देखो तुम और मैं अपने अपराधों के कारण, डाका डालने की वजह से हम ये दुख सह रहे, लेकिन इस मनुष्य ने जो बीच में है, यीशु ने कोई बुरा काम नहीं किया, बल्कि उसने सबको अच्छा काम दिखाया, किया, चंगाई दी, मुर्दों को जिलाया, भूखों को खाना दिया, रोटी दी, पानी दिया। अरे साहब, उसने सब कुछ अच्छा काम किया, लेकिन आज फिर भी वो दंड पा रहा है। इस बात को प्रतीक बताता है कि वो हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा। जी हाँ,
और जब उसका लहू बहाया गया, जब तीसरे पहर, लिखा हुआ बाइबल में कि पूरे देश में अंधकार छा गया, प्रकृति भी सृष्टि भी इस बात को दर्शाती रही कि ये बड़े दुख की बात है, लेकिन खुशी की बात भी है कि एक व्यक्ति के मरने से पूरे जगत का उद्धार होने की सामर्थ्य रख सकता है। जी हाँ, और जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, आपको पता बाइबल में लिखा हुआ है, जब ये बात उसने कही तो एक भूइंटोल हुआ, भूकंप हुआ और बहुत अजीब सा माहौल वहाँ पर हुआ। सब लोग इधर उधर भागने लगे क्योंकि सृष्टि भी इस बात को पहचानने लगी और यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। तब चेलों ने और उनकी माँ मरियम ने और कई लोग जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वे आए, उन्होंने यीशु मसीह की जो शरीर था, मृतक शरीर था, उसको उठा करके एक ऐसे कब्र में ले गए जो नई खुदी थी और वहाँ पर उसको दफनाया। मेरे दोस्तों, ये है गुड फ्राइडे की कहानी। ये फ्राइडे को, शुक्रवार को हुआ और गुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपके लिए और मेरे लिए एक शुभ संदेश है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की कथा को, उस क्रूस की सच्ची कहानी को विश्वास करें, अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें कि हाँ प्रभु, तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। लिखा हुआ है पहला योहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें, कन्फेस करें कि वो हमारे पापों के लिए मर गया और मेरे पापों के लिए, हमारे नहीं, मेरे पापों के लिए, आप अपना नाम ले सकते हैं, प्रभु, शीला, विनोद, मैं, राहुल या कोई भी, आपका जो भी नाम हो आप ले सकते हैं, मेरे लिए मरा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मेरे दिल में आ, आज मैं तुझे अपना उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। जब हम इस यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन में लेंगे तब हमारा उद्धार होगा, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है, अर्थात यीशु मसीह। क्या आप इस यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे? इस गुड फ्राइडे की जो वचन है, सत्यता है, इतिहास इस बात का गवाह है कि 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया। न सिर्फ वो मारा गया, लेकिन मैं एक और एपिसोड आपके लिए करूँगा और उसमें बताऊँगा कि यीशु मसीह अपने कथनानुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा और आज वह एक जीवित परमेश्वर है, आपका इंतज़ार कर रहा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है कि हम उसके पास पश्चाताप करके उसके पास आए और उसको अपना लें, तभी सच में गुड फ्राइडे का मतलब गुड रूप से, अच्छे रूप से हम जानेंगे। और यही आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्या आप इसे ग्रहण करेंगे? धन्यवाद।